तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकम टू एज फॉर टेक तो आज हम लोग सीबी ट्रीटमेंट के कुछ क्वेश्चन करेंगे एनवायरमेंट में हाँ जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग एक दो मिनट वेट करते हैं फिर स्टार्ट करेंगे हाँ जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग कोई बात नहीं नवदीत जी अब ठीक है ना ध्यान रखिएगा गुड इवनिंग आज थोड़ा क्लास आपके जल्दी फ्री हो रहेंगे आप लोग आज क्लास जहाँ तक आपकी एट या एट थर्टी तक ही होगी मुझे कहीं जाना है एक्चुअली तो ठीक है तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने हाँ जी गुड इवनिंग चलिए स्टार्ट करें तो वही मैथ दी फॉलोइंग का क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन डिच वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉइंट इमोफ टैंक रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर ये चार यूनिट हैं आपके पास इनको आपने क्या करना है मैच करना है तो सबसे पहले तो आप किसको मैच करा देंगे इमोफ टैंक जो होगा वो आपको मालूम है एनरोविक बैक्टीरिया पर होता है तो सी आपका किससे से मैच कर जाएगा टू से मैच कर जाएगा और रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर आर आपको मालूम है ये अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम होता है ये भी है ना तो डी आपका फोर से मैच कर जाएगा तो सी आपका टू से और डी आपका फोर से आंसर आ गया क्या आंसर तो आपका पास आ गया बी ठीक है अब देखिए जो तो A आपका किससे मैच कर रहा है थ्री से ऑक्सीडेशन डिश क्या है एरोबिक बैक्टीरिया सस्पेंडेड कल्चर इसमें क्या होता है बेसिकली एरेशन किया जाता है रोटर के थ्रू ठीक है और बेस स्टेबलाइजेशन पॉइंट जो हो जाता है वह आपका किससे मैच कर जाएगा फैकल्टीटिव हालांकि ये आपको मालूम है तीनों तरह की कंडीशन होती है एरोबिक एन एंड फैकल्टेटिव ठीक है तो दिलीप जैसे आप कह रहे हो बिल्कुल इसमें क्या होता है वही आपको जो बेस्ट पॉसिबल जो ऑप्शन बन बनता है ना आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चन में कई तो बार इसमें ये होगा कि एक ऑप्शन एक से ज़्यादा से मैच कर हुआ तो लगेगा बट

वॉल्यूम पर यूनिट वेट तो ट्वेंटी सेवन बाई थ्री तो कितना जाएगा नाइन नाइन सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम तो एक ग्राम सॉलिड जो है वो आपका कितना नाइन एम एल वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे ऑक्यूपाई करेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट वेस्ट स्टेबिलाई पॉइंट आर मोर सक्सेसफुल इन सन्नी ट्रॉपिकल रीजन बिकॉज दैक्टीरियल एक्शन ऑफ प्योरिफिकेशन अचीव्ड थ्रू फोटोरिया वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वेस्ट स्टेबिलाईन पॉइंट क्या होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पर होते हैं तो सन्नी ट्रॉपिकल रीजन में क्या होगा धूप अच्छी मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा फोटोसिंथेसिस क्या होगा ज्यादा होगा ठीक है अच्छा कुछ ऐसा बैक्टीरिया भी होता है क्या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कुछ होता है क्या हमने तो हमने तो एरोबिक एन, एन फैकल्टेटिव फैकल्टेटिव ये बैक्टीरिया पड़ा है क्या फोटो बैक्टीरिया होता है याद देखिएगा फोटो बैक्टीरिया नहीं होता है फोटोसिंथेसिस कौन करता है एलगेलाई करता है तो फोटोसिंथेसिस का, का काम एलगेलाई का है बैक्टीरिया का नहीं है इसलिए आर गलत है ए सही है तो इसका आंसर क्या होगा आपका सी होगा इसका आंसर क्या होगा आपका सी होगा कोई दिक्कत ठीक है तो आंसर ए क्यों नहीं होगा सी क्यों होगा ठीक है ठीक है तो फोटोसिंथेसिस एल्गाई का काम है ना कि बैक्टीरिया का नेक्स्ट क्वेश्चन वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉइंट कैन बी वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉइंट कैसे हो सकते हैं एरोबिक एनारोबिक फैकल्टेटिव या एनी ऑफ दी अब तो डिपेंडिंग ऑन दी डेप्थ डिपेंडिंग ऑन दी डेप्थ एनी ऑफ दी अब हो सकते हैं सेलो डेप्थ होगी तो एरोबिक हो जाएंगे बहुत ज़्यादा डेप्थ होगी तो उसमें एनियडोबिक भी रहेगा और मिडल लेयर जो है वो आपकी फैकल्टी टिप भी होंगी आंसर क्या हो जाएगा एनियोडोबिक नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग आर दी सीवियस ट्रीटमेंट प्रोसेस प्राइमरी सेडिमेंटेशन स्क्रीनिंग ग्रिट रिमूवल सेकेंडरी सेडिमेंटेशन व्हेन ओनली प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट इज टू बी गिवन फॉर सीवेज सेलेक्ट दी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग देयर करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम दी कोट्स बिलो ठीक है भैया बताइए दिलीप जी ओनली प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट पूछा है इसको पढ़िए इस शब्द का ध्यान देना है ठीक है एक शब्द आपका छूट गया एक वर्ड छूट गया तो वहीं जो है वो सारी गड़बड़ हो जाएगी सारी गड़बड़ यहीं से हो जाएगी ठीक है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट की बात हो रही है प्रीलिमिनरी ठीक है भाई तो प्रीलिमिनरी में मेन काम क्या होता है फ्लोटिंग मटेरियल को रिमूव करना और उसके लिए आपका क्या हो जाएगा उसके लिए क्या हो जाएगा आपका स्क्रीनिंग एंड ग्रिट रिमूवल प्राइमरी सेडिमेंटेशन को इंक्लूड कर लोगे तो प्रीलिमिनरी रहेगा प्राइमरी हो जाएगा ठीक है तो आंसर क्या होगा ए टू कॉमा थ्री टू कॉमा थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन of ऑफ following वेस्ट डिस्पोजल

पहला गलत है और दूसरा सही है तो आंसर क्या देगा सी टू एंड फोर बायो ऑक्सीडेशन ऑफ एफ्लुएंट ठीक है तो क्या करते हैं इसमें सेप्टिक टैंक के साथ ट्रेंचेस बना दी जाती है सेलोडेप की तो जिसमें जो एफ्लुएंट जाता है वो पहले से काफी क्लियर होता है और बाकी उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है ठीक है तो आंसर क्या देगा टू एंड फोर टू एंड फोर नेक्स्ट क्वेश्चन A grid chamber of dimension 12 meter by 1.5 meter by 0 0.80 meter liquid depth has a flow of 720 meter cube per hour. Its surface loading rate and detention time are respectively. हाँ जी तो बेसिकली आपको टैंक का वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम क्या रहेगा ट्वेल्व इंटू वन पॉइंट फाइव इंटू जीरो पॉइंट एट और इसको क्या लगा दोगे आप क्यू इंटू टी यहाँ से डिटेंशन टाइम आपके पास आ जाएगा ट्वेल्व इंटू वन पॉइंट फाइव इंटू जीरो पॉइंट एट और अपॉन क्या सेवन ट्वेंटी से ही डिवाइड कर दो क्योंकि यूनिट हम देखेंगे तो मीटर क्यूब पर आवर अच्छा ये टाइम जो है आपका मिनट्स में है टाइम जो है आपके पास मिनट में है जबकि डिस्चार्ज आपको मीटर क्यूब पर आवर में दिया हुआ है ठीक है तो क्या हो जाएगा ये टाइम आपका आवर में आएगा तो इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो मिनट में आ जाएगा 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो मिनट में आ जाएगा ठीक है भाई और सरफेस लोडिंग रेट क्या हो जाएगा तो सरफेस लोडिंग रेट एस एल आर तो ये क्या हो जाएगा आपके पास क्यू अपॉन बी एल डिस्चार्ज अपॉन सरफेस एरिया डिस्चार्ज अपॉन सरफेस एरिया अब इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि परावर में दे रखा है आपको तो ये कितना सेवन ट्वेंटी अपॉन लेंथ कितनी है ट्वेल्व इंटू वन पॉइंट फाइव फाइव सॉल्व कर लीजिएगा यू विल गेट दी आंसर अब यहाँ पर देख लीजिएगा लेकिन जो आंसर है आपका वो लीटर में भी है और मीटर क्यूब में भी है ठीक है मैं जरा फोन को अपने शांत कर देता हूं है। तो टाइम कितना आ रहा है वन पॉइंट टू मिनट आ रहा है और डिस्चार्ज कितना आ रहा है फोर्टी थाउजेंड लीटर फोर्टी थाउजेंड लीटर यानी कि यह या आ रहा होगा फोर्टी मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर ठीक है तो ये येगा फोर्टी थाउजेंड लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर दिवाकर जी यार मैं एस एस सी की कोर कमेटी में नहीं हूं <laughs> जो ये बता सकूँ कि कब जो है वो रिजल्ट आ रहा है फिलहाल इतना कह सकते हो कि अभी हाल फिलहाल में तो नहीं आ रहा उसकी वजह क्या है कल ही एस एस सी का एक, एक एग्जाम पोस्टपोन हुआ है एम टी एस करके जो जुलाई फर्स्ट वीक में था ठीक है तो उससे लग रहा है कि शायद जुलाई में तो एग्जाम कराने के इच्छुक नहीं है तो अभी एक आध महीना तो आप वेट करो उसके बाद ही आएगा रिजल्ट आएगा तो ठीक है भाई लार्ज फ्लोटिंग मैटर को आप कैसे रिमूव करोगे तो स्क्रीन्स के थ्रू कर दोगे अब फोर अगर सी uh, सॉरी uh, uh, अगर ए आपका फोर से मैच कर रहा है तो बी आपका थ्री से मैच करेगा तो सस्पेंडेड इन ऑर्गेनिक मैटर ग्रिड चैम्बर में रिमूव हो जाएगा नाउ सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर वो कहाँ रिमूव होता है आपके पास प्राइमरी क्लेरिफायर में और डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर कहाँ होगा ट्रिकलिंग फिल्टर में तो ये तो क्या हो गया फोर थ्री टू वन ही हो गया क्या तो फोर थ्री टू वन हो गया रिवर्स ऑर्डर हो गया रिवर्स ऑर्डर हो गया वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर टेस्ट था कौन सा कंप्यूटर टेस्ट था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए प्रेस सिलर्स हैज मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 99% एंड आफ्टर थिकनिंग इट्स मॉइस्चर कंटेंट इज रिड्यूस्ड टू 96% द रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सिलसिस ठीक है तो वॉल्यूम में और परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट में रिलेशन आपको मालूम है क्या v1 100 p1 v2 100 P2. तो आप यहां से V1 वन अपॉन वी निकाल लीजिएगा ठीक है तो V1 वन अपॉन वी टू वी वन अपॉन वी टू रहेगा हंड्रेड माइनस पी टू अपॉन हंड्रेड माइनस पी वन पहले इसको सॉल्व कीजिए तो हंड्रेड माइनस कितना 96 सिक्स अपॉन हंड्रेड माइनस कितना है नाइन्टी नाइन तो ये कितना आ गया फोर आ गया क्या ये आ गया फोर बट आपको फाइंड आउट करना है वी वन माइनस वी टू छोड़ो सीधे सीधे डायरेक्टली भी कर सकते हो कि वी टू इजिकल टू वी वन बाई फोर हो गया ठीक है यानी कि जीरो पॉइंट टू फाइव तो इनिशियल का कितना गया ट्वेंटी फाइव परसेंट तो रिड्यूस कितना हो गया सेवेंटी फाइव परसेंट तो रिड्यूस कितना हो गया सेवेंटी फाइव परसेंट एक तो आप डायरेक्टली ऐसे कर लो अदरवाइज आप क्या कर सकते हो अदरवाइज आप क्या कर सकते हो उल्टा कर दो अब वी टू अपॉन वी वन आपके पास नहीं टू इज टू है आपके पास फोर अब हमें निकालना है वी वन माइनस वी टू अपॉन वी वन परसेंटेज में निकलेगा ना तब परसेंटेज में निकलेगा ठीक है तो उल्टा करें पहले इसको तो क्या किया जा सकता है वी टू अपॉन वी वन इजिकल्स टू वन बाई फोर अब वन में से दोनों साइड को माइनस करो वन में से माइनस करेंगे तो वी वन माइनस वी टू अपॉन वी वन इजिकल्स टू फोर माइनस वन अपॉन फोर इंटू हंड्रेड ठीक है और इन हंड्रेड तो आपके पास याद आएगा सेवेंटी फाइव परसेंट डायरेक्टली कर लो लेकिन बताना मेरा काम है ठीक है Next question. ये भी सही टेक्निक लग रही है 96 सिक्स में से चार बचा है और नाइनटीन वाले में से एक फोर माइनस वन अपॉन फोर यानी के पी वन माइनस पी टू पी वन माइनस पी टू अपॉन पी वन से कर दो सीधी ये चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है डिजॉल्व सॉलिड कोलाइडल सॉलिड वोलेटाइल सॉलिड सेटलेबल सॉलिड तो सबसे पहले तो आप ये देखो बी आपका थ्री से मैच करेगा क्योंकि कोलाइडल सॉलिड्स को आप कैसे रिमूव करोगे को के थ्रू करोगे ठीक है फिर सेटलेबल सॉलिड्स को कैसे दूर करोगे आप सेटलेबल सॉलिड्स को दूर कर दोगे सेडिमेंटेशन के थ्रू ठीक है वोलेटाइल सॉलिड्स कहां जाएंगे आप डाइजेशन के थ्रू हो जाएंगे तो डिजॉल्व सॉलिड्स क्या हो गया रिवर्स ऑस हो गया भैया तो ए मैच करेगा टू से बी करेगा थ्री से तो टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन आंसर हो गया ए ए आंसर इज थ्री, थ्री टू फोर वन डिजॉल्व सॉलिड को कोएगुलेशन के थ्रू करेंगे तो फिर कोलोइल को कैसे करेंगे देखो जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनको कोएगुलेशन के थ्रू रिमूव किया जाता है क्योंकि इन पर चार्ज हो जाता होता है ठीक है तो जो ये कोएगुलेशन का प्रोसेस है वो कोलाइडल पार्टिकल पर लगता है कभी हार्डी हार्डिसलजे रूल भी पढ़ा था इसके लिए क्या पढ़ा, पढ़ा था हार्डिसुलजे रूल उसमें क्या होता था जितना ज़्यादा चार्ज एन डा, कैटाइन डालोगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा न्यूट्रलाइजेशन होगा ठीक है चलिए

हालांकि रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू आप डिस को भी कर सकते हैं लेकिन जैसा मैं कहता हूँ तो हमेशा ई में क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि पहली नज़र में आपको जो है वो सही लगेगा ठीक है मतलब एक चीज दो से भी मैच हो सकती है ठीक है हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जी गुड इवनिंग हाँ पहली नज़र में जो पहली नज़र होती है वो हमेशा सही थोड़ी ना होती है बाद में पछताना भी पड़ता है इन दी ऑक्सीडेशन डिच द एक्सेस इज टेकन टू ठीक है भैया तो ऑक्सीडेशन डिच से क्योंकि क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छा होता है तो आज जो सिलज है उसको हमें सिलस डाइजेस्टर में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सीधे उसे ले जाकर सुखा दो ड्राइंग बैटिंद यादव सर तबीयत ना सही होने की वजह से क्लासेस नहीं कर रहे थे बस मुझे एक यही बात थोड़ी समझ में नहीं आती बच्चों की जब टीचर तबीयत खराब होने पर पचास तरह की पर्सनल हेल्थ हेल्थ रिलेटेड पचास तरह की प्रॉब्लम होने पर क्लास ले सकते हैं अच्छा कभी किसी को सुना ये कहते कि मैं हुए मैंने मोबाइल नहीं चलाया अभी YouTube पर 50 एंटरटेनमेंट की वीडियो होंगे आप देखते रहेंगे WhatsApp चला सकते हैं आप मूवी देख सकते हैं तबियत खराब होने पर टीवी देख सकते हैं लेकिन आप लेक्चर नहीं देख सकते आप पढ़ाना हो तो कह सकते हो कि क्या कहते हैं कंटेंट तैयार करना पड़ता है बोलना पड़ता है बैठे रहना पड़ता है पढ़ने में क्या है पढ़ने में क्या है <laughs> नहीं सैलिन यादव जी को नहीं कह रहा मैं उनके थ्रू वाक्य को बोल रहा है। अच्छा कोरोना पॉजिटिव थे चलो फिर तो फिर आपको क्षमा किया चलिए आगे पढ़ते बढ़ते तो द शीट ऑफ द लिक्विड स्ट्रीम ऑफ अ सीवेज ट्रीटमेंट स्कीम ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर प्राइमरी सेटिंग टैंक ग्रिड चैम्बर स्क्रीन चैम्बर सेकेंडरी सेटिंग टैंक द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज यूनिट्स इन दिस सीवेज ट्रीटमेंट स्कीम ऑफ अ लिक्विड स्ट्रीम तो इसको उठा के वहां ले जाए <laughs> ठीक है भाई तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे आप स्क्रीन चैम्बर उसके बाद में क्या आएगा स्क्रीन चैम्बर सबसे पहले आएगा फोर तो ये आपका एलिमिनेट हो गया फोर के बाद थ्री आएगा ही आएगा अब इसके बाद देखो टू आएगा या वन आएगा टू आएगा या वन आएगा तो पहले टू आएगा पहले टू आएगा और यहीं से आपका आंसर बी हो गया ग्रिड चैम्बर के बाद स्क्रीन चैम्बर देन प्राइमरी सेटलिंग टैंक इसके एफ्लुएंट को ट्रिकलिंग फिल्टर पर भेजोगे और उसके बाद में सेकेंडरी सेटलिंग टैंक तो आंसर इज बी आन भैया क्लास तो सात बजे शुरू हो गई थी शर्मा तो कह रहे हैं सर यूपीपीएससी की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी भाई साहब मुझे लग रहा है आप मेरे सामने होते तो पता नहीं क्या करते सर बताओ यूपीपीएससी की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी आइज के तो मेरी भी हालत ख़राब है डॉक्टर ने बोला था फिफ्टीन डेज आई ड्रॉप यूज करके बंद कर देना मुझे लग रहा है फिफ्टीन डेज फिर दोबारा यूज करनी पड़ेगी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रिमा बैनर्जी जी सर प्लीज डेस्क्राइब दी फंक्शन ऑफ ग्रिड चैम्बर बेटा अगर आपको ग्रिड चैम्बर का फंक्शन नहीं पढ़ा पता इसका मतलब आपको थोड़ा सा बेसिक से पढ़ने की जरूरत है तो मैराथन क्लासेस एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग की है एजू फॉर टेक पर ही आप वो लेक्चर देखो ठीक है अगर आपको ग्रिड चैम्बर का फंक्शन नहीं पता तो ठीक है अच्छा मैं एक बात और बता दूं आपको कि वास्तव में हम बहुत से स्टूडेंट्स के साथ होता है देखो दो मिनट आपके टाइम खराब कर रहा हूं दो मिनट नहीं बस एक मिनट खराब करूंगा ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी प्रिपरेशन में होता है कि बहुत से स्टूडेंट जो है वो सीधे जैसे मान लो अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन अटेंड कर रहे हैं या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं बट उन्होंने बेसिक थ्योरी भी कवर नहीं की होती सबसे पहला काम होता है कि आपको अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बेसिक थ्योरी मतलब कोई भी एक सोर्स उठाकर चाहे किसी टीचर के लेक्चर हो किसी कोचिंग का मटेरियल हो कुछ भी हो कम से कम एक बार आप थ्योरी पढ़ लो तो आपको एक आइडिया हो कि कम से हमारे सिलेबस में क्या है कि भाई सेडिमेंटेशन टैंक का काम का क्या क्या होता है फिल्ट्रेशन का क्या काम होता है ग्रिड चैम्बर का क्या काम होता है स्किमिंग टैंक का क्या काम होता है उसके बाद आप क्वेश्चन करो फिर आपसे क्वेश्चन जो थोड़े से डीप लॉजिकल क्वेश्चन नहीं हो रहे वो नहीं आते तो वो चलेगा बट ये बिल्कुल दिखाता है कि आपने बिल्कुल पढ़ा नहीं है बिल्कुल आपने पढ़ा नहीं ठीक है तो थोड़ा सा थोड़ा सा आप लोग थ्योरी पढ़िए और कंटेंट आपके पास अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट मैराथन क्लासेस पढ़ी हुई हैं, वहां से आप पढ़िए वैसे ग्रिड चैम्बर का काम होता है इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स को रिमूव करना बिकॉज अगर ये इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स आगे चले गए तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या करेंगे हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे ठीक है तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैस्ड कौन सा पेयर करेक्टली मैस्ड नहीं है कांपते हुए रिप्लाई देते हैं मतलब अच्छा डर हाँ भाई डर लगता है यार हालांकि मुझे अभी तब भी डर लग रहा था एस जेई का जब मैं बोल रहा था कि टाइम लगेगा एम का हुआ मैंने कहा कोई सी वाला ना बोलते सर आई का जब पोस्टपोन हुआ था तो आपने ई एस का भी ऐसे ही बोला था अभी एस का तो हो रहा है विजन बैच के लिए बोल दो आप विजन बैच भी हाँ विजन बैच में ही पढ़ सकते हो विजन बैच भी लिया जा सकता है ठीक है एक्टिवेटेड सेलर्स में आपको मालूम है एरेशन किया जाता है फिल्टर अटैच ग्रोथ सिस्टम है ऑक्सीडेशन डिच ऑक्सीडेशन डिच में एलगाई फोटोसिंथेटिक प्रोसेस नहीं होता है इसमें अलग से एरेटर्स लगे होते हैं ऑक्सीड एलगाई जो होता है वो ऑक्सीडेशन पॉन्ड में होता है चैनल में हम लोग प्रोपोर्शनल बियर जो है उसको यूज करते हैं बट उसमें ये हो जाएगा ना कि अच्छा सर को अपना बिजनेस चलाना है तो सर इसलिए बोल रहे पहले तो फ्री सेवा पहले फ्री वाला बताएंगे वहां पढ़ लो फिर भी दिक्कत हो तो आप खरीद सकते हैं बैच परचेज कर सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन द टू मेन गैसेस रिलीजेटेड फ्रॉम एन एन एरोबिक स्लज डाइजेशन टैंक एन एरोबिक स्लज डाइजेशन टैंक से कौन सी दो गैसेस प्राइमली मुख्यतः निकलती हैं ठीक है तो जो एसिटिक एसिड होता है वो ब्रेक करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड में और मीथेन में सिरका ठीक है भाई तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट है पिछला क्वेश्चन था उसी का एक ऑप्शन बनकर बन आ गया तो आपको मालूम है grid chamber में पार्सल फ्लो यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बैनर्जी जी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिए फिर उसके लिए और थ्योरी को शॉर्ट नोट्स बनाइए उनको टाइमली रिवीजन कीजिए और क्वेश्चंस लगाइए ठीक है प्रॉब्लम दूर हो जाएगी ठीक है तो so, फ्रीक्वेंटली जितना फ्रिक्वेंटली हो सके उतना फ्रिक्वेंटली अपने नोट्स रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन लगाइए नाउ नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन द एक्टिवेटेड सेलस प्रोसेस एक्टिवेटेड सेलेस प्रोसेस में लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ द रिटर्न सेल्स फ्रॉम दी सेकेंडरी सेटलिंग टेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर फूड टू माइग्रो सारा खेल तो इसी का है लास्ट क्या है आपके पास दिलस वॉल्यूम इंडेक्स ऑफ द रिटर्न सेलिस मालूम है हंड्रेड टू वन फिफ्टी रखना होता है तो यही जो है वो आपका गलत हो गया ठीक है तो ये लीस्ट इम्पोर्टेंट ठीक है

Next question, the following three stages are known to occur in the biological action involved in the process of sillage digestion. तो so, sillage digestion की three stages की बात हो रही है, वो three stages ये हैं, वो three stages ये हैं, ठीक है बेटा, इनकी proper sequence जो है वो आप बता दीजिए, correct sequence तो ऑब्वियस सी बात है एल्केलाइन फर्मेंटेशन तो सबसे बाद नहीं होगा तो सबसे पहले क्या होता है एसिड फर्मेंटेशन होता है उसके बाद एसिड डिग्रेशन होता है और लास्ट में आपका क्या होता है एल्काइर एल्केलाइन फर्मेंटेशन होता है ठीक है तो वन थ्री टू तो आंसर क्या रहेगा आपके पास वन थ्री टू थ्री वन टू नहीं वन टू वन थ्री टू वन थ्री टू ठीक है दिलीप आज आ, आज पकड़े जा रहे हैं आपके गलत आंसर्स पता नहीं क्या कल हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में ई एस पोस्टपोन करने के लिए पी आई एल अरे वाह क्या बात है अच्छा एक बात अपने ये ई एस वाले बालकों से मैं आपको एक दो दिन से बोल रहा हूँ शायद वो चीज़ आपने की नहीं है आप थोड़ा सा मतलब जो जो इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं ना बहुत ज़्यादा हैं तो इनको रीडिंग जरूर मारो आप मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन एक बार आपकी आंखों के आगे से निकल जाए इनको रीड जरूर कर लो ठीक है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और अभी समय है हो सके तो थोड़ा गेट के भी क्वेश्चन देख सको तो वैसे आप लोग कहोगे सर <laughs> क्या क्या, क्या करेंगे बीस दिन तो बाकी है चलिए कोई बात नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू ग्रिड चैम्बर्स इज मेंटेन बिटवीन 24 टू 30 सेंटीमीटर पर सेकंड रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स लार्जर देन पॉइंट वन एम एम डायमीटर इज वेरी एसेंशियल तो ये आपका गलत हो गया बिकॉज ओनली इनऑर्गेनिक रिमूव करता है ऑर्गेनिक रिमूव नहीं करता है तो so, अगर आपको ये डेटा नहीं भी यादता तब भी आपका आंसर क्या हो गया सी हो गया बट अब याद कर लेना ट्वेंटी फोर टू थर्टी सेंटीमीटर पर सेकेंड की वैलोसिटी मेरे कहने जितना जितना हो सके जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करनी है मैं इसीलिए रीड करने को बोल रहा हूं मैं क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने को भी नहीं बोल रहा मैं तो कह रहा हूं क्वेश्चन पढ़ो फटाफट उसका सोल्यूशन देखो आगे बढ़ो जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देख लो उतना अच्छा है कल वाली पीडीएफ दे दी ओम प्रकाश जी आज दोपहर में दे दी गई है कल वाली पीडीएफ आज दोपहर में दे दी गई है कॉलोनी ऑफ टेन थाउजेंड पर्सन सी फ्लो रेट ऑफ टू हंड्रेड लीटर नहीं रोज अलग अलग कहा रहता है ये तो मैं दो दिन से यही बात तो मैं बोल रहा हूँ कहाँ अलग अलग रहता है मैं तो हमेशा कहता हूँ यही चीज मैं तो डेली यही बात बोल रहा हूँ कि जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को खुद को एक्सपोज कर लो उतना अच्छा है।

तो ये एम जी पर डे आया था तो इसको के जी में कन्वर्ट करने के लिए टेन पावर सिक्स से डिवाइड कर देना तो ये के जी पर डे में आ गया अब इस के जी पर डे को आप क्या करेंगे थ्री हंड्रेड के जी पर डे हेक्टेयर से तो ऊपर क्या पहुंच जाएगा हेक्टेयर तो केवल यूनिट का खेल है यूनिट से ही कर लेंगे ठीक है बेटर्जी जी आ जाए वैकेंसी बाकी ये सब भी उसी के लिए चल रहा है ये सब भी वहाँ काम ही आएगा ठीक है तो आंसर क्या जाएगा टू हेक्टेयर ठीक है दीपक कुमार जी एक और हमारे यूपीपीएससी पी एस सी ए रिटर्न क्वालिफाइड कैंडिडेट दीपक जी बहुत कम टाइम में दीपक ने रिटर्न निकाला 2019 के पास आउट है और पहले अटेम्प्ट में ही पी एस सी ए का रिटर्न क्वालिफाई किया ये भी बड़ी बात थी नेक्स्ट टाइम श्योर शॉर्ट सिलेक्शन भी होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिलस डाइजेशन स्टेप्स इज मैंने कभी कभी बताया ना मैं वो दास सीक्रेट वाला कॉन्सेप्ट वो ये चंदन के केस में बड़ा बड़ा काम करता है ठीक है ये चंदन ने मुझे जब कॉल किया कि सर मेरा रिटर्न क्वालिफाई हो गया तब इन्होंने मुझे बताया कि सर मैं ये जो लिखता था ना मैं इन्होंने ये हमेशा यही लाइन लिखते थे गुरु चंदन हम पानी तो मैं इन्हें कई बार बोलता था यार चेंज करो एक ही लाइन एक ही लाइन रोज 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 तो इन्होंने कॉल पर बताया मुझे कि सर मैं वो इस लाइन इसलिए लिखता था कि इसलिए लिखता था कि जब मेरा सिलेक्शन हो जाए और मैं आपको कॉल करूँ तो आप मुझे तुरंत पहचान लो तो कहीं ना कहीं इनके मतलब इन, होता है ना एक सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ होती है कि अच्छा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा मैं मतलब मैं सर को कॉल करूंगा तो सर मुझे कम से कम इस स्टेटमेंट से पहचान लेंगे कि मैं कौन सा वाला दीपक हूँ ठीक है तो वो चीज़ तो वर्क ही की कम से कम रिटर्न तो क्वालीफाई हुआ फाइनल भी होगा पहली बार में मेरा भी नहीं हुआ था फाइनल दो वाले में मेरा भी रिटर्न ही क्वालीफाई हुआ था इंटरव्यू नहीं हो फाइनल नहीं हो पाया था बट अगली बार में हो गया तो मैं उसी एक्सपीरियंस से आपके लिए भी कह रहा हूँ चलो पहली बार में नहीं हुआ तो अगली बार में जरूर हो जाएगा क्योंकि तो आप लोग जिस बोर्ड पर हो सेम उस बोर्ड पर कभी मैं रह चुका हूँ और मेन बात है कि 2019 के ही पास आउट होकर विद इन वन ईयर क्वालिफाई कर जाना ये बड़ी बात है एकदम फ्रेशर होकर और बिना किसी कोचिंग के केवल ऑनलाइन लेक्चर से अटेंड किए थे और सेल्फ स्टडी चलिए भाई तो सबसे पहले क्या होता है हाइड्रोलिसिस होती है हाइड्रोलिसिस में क्या होता है जो भी मेटेरियल होता है वो पहले डिसॉल्व करता है उसके बाद में एसिड फॉर्मेशन होता है बाद में एसिड ब्रेक करके क्या करता है मीथेन बनाता है ठीक है बिल्कुल और मेन बात है कि पिछली बार तो हम सभी ने जीरो से स्टार्ट किया था बट इस बार तो हम लोग बहुत 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 हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं अब केवल और केवल वैकेंसी आए तो हमें एक चीज़ों को एक अलग लेवल पर थोड़ा सा लेकर जाने की जरूरत रहेगी है ना? इस बार ज़रूर होगा कोई कोर का सर नहीं छोड़ी जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन

ऑफ़ दी ऑर्डर ऑफ टू टू थ्री डेज ये गलत बात है लॉन्गर डिटेंशन टाइम हमें यहाँ पर चाहिए होता है तीसरा गलत हो गया तो आपके पास आंसर क्या बच गया सीधे सीधे वन एंड टू बच गया वन एंड टू ठीक है आ, दो टू टू फोर वीक या फिफ्टीन टू थर्टी डेज आप कह सकते हैं ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा वन एंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोवाइडेड पाइप बात न लिखाए वेंट शुड बी प्रोवाइडेड ओवर बोथ दी से आप लोग रिमूव द गैसेज डेट आर जनरेटेड ड्यू टू बैक्टीरियल एक्शन एंड अवॉइड बिल्डिंग अप्रेशर ठीक है तो बेंड पाइप जो है ठीक है तो भाई आपका जो ए है वो गलत है क्योंकि सेप्टिक टैंक के ऊपर तो प्रोवाइड करते हैं बट सी पे या सोक पिट पर नहीं नहीं देते हैं ठीक है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी सोक पिट क्या होता है ठीक है कच्ची तली वाले गड्ढे होते हैं आजकल तो गांव वगैरह में जो टैंक बन रहे हैं वो इसी तरह के बनाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है उनका जो बॉटम होता है वो कच्चा होता है और जो वॉल होती है वो सीमेंटेड होती है तो इसमें क्या होता है जो भी वेस्ट वाटर होता है वो ग्राउंड में जाता रहता है ऐसे गड्ढों को एक आध साल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बाद में उनको बंद कर दिया जाता है और जो भी वेस्ट वेस्ट मटेरियल होता है वो मैनगर में, में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है नेक्स्ट The purpose of a proportional beer at the effluent end of a channel type grit removal unit is to.

हाँ, सेप्टिक टैंक में करते हैं ना वो आधा सत्य है ना आधा सच है पूरा सच नहीं है ना सेप्टिक टैंक में करते हैं बट सी पिट में नहीं करते ना तो वो आधा सच है तो उसको हम गलत मानेंगे ना दोनों में लिखा है बोथ अब हम लिखेंगे टू प्लस टू भी फोर होता है एंड थ्री प्लस थ्री भी फोर होता है तो इस स्टेटमेंट को सही कहोगे या गलत कहोगे गलत कहोगे ना टू प्लस टू तो फोर होता है थ्री प्लस थ्री नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन

क्या कहते हैं ये क्यू आर पी एक दिन आप भी क्वेश्चन से पहले आंसर देने ठीक है फिर तो सारे ही सही है ये भी सही है ये भी सही है ग्रीनिस अपीयरेंस भी देता है ये भी सही है तीसरा भी सही है ठीक है तीसरा भी सही है बेटा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसे सेलेक्ट करोगे ना

डाइजेशन में क्या होता है आपका हायर बीओडी लेवल बचता है अरे बैनर्जी जी भाई ये तो बहुत बड़ी बात होगी चलिए कभी ना कभी तो वैसे मैं गया हूँ कोलकाता दो तीन बार गया हूँ भविष्य में कभी आना होगा तो जरूर ठीक है नाउ प्रोडक्शन ऑफ अलस विध एक्सीट डी वाटरिंग कैपेसिटी सही है रिकवरी ऑफ मिथेन गैस लोअर ये मिथेन गैस की रिकवरी की वजह से लोअर ऑपरेशन कॉस्ट हो जाती है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन The MLs mixed liquor suspended solid concentration in the aeration tank of extended aeration activated process processes 4000 mg per liter. If one liter of sample settled in 30 minutes and the measuring cylinder showed as sludge volume of 200 mL, then the sludge volume index should be nearly. Okay. तो वॉल्यूम इंडेक्स क्या हो जाएगा आपके पास वॉल्यूम पर वॉल्यूम पर यूनिट वेट तो वॉल्यूम कितना है टू हंड्रेड एम है ना अब आप देखो एक लीटर में कितना है फोर थाउजेंड एक लीटर में कितना है फोर थाउजेंड एमजी है तो टू हंड्रेड एम में कितना होगा तो फोर थाउजेंड को आप फ़ाइव से डिवाइड कर दो <laughs> नहीं ठीक है आपने एक एक लीटर का सैंपल लिया ठीक है हमने क्या किया वन लीटर ऑफ सैंपल सेटल इन थर्टी मिनट्स एंड द मेजरिंग सिलेंडर शोड एस सिलस वॉल्यूम ऑफ टू हंड्रेड एम एल देन द सिलस वॉल्यूम इंडेक्स विल बी तो फोर थाउजेंड एम पर लीटर है तो इसको आपने ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा फोर डिवाइडेड बाई थाउजेंड आप कर देंगे है ना तो आपके पास ये हो जाएगा 50 एम पर ग्राम 50 एम पर ग्राम क्योंकि एक लीटर आपने लिया था सेटल डाउन होने के बाद में वो एक लीटर आपका किस में हो गया 200 हंड्रेड एम की सिलस में कन्वर्ट हो गया ठीक है भाई तो एक लीटर क्योंकि आपने कंसिडर किया है तो एक लीटर में जो सॉलिड होंगे वो कितना है फोर थाउजेंड एम पर लीटर है तो ग्राम में अगर हम इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा फोर ग्राम हो जाएगा टू हंड्रेड तो फोर फिफ्टी एम एल पर ग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर द प्रॉब्लम ऑफ पॉन्डिंग कैन बी सॉल्व बाय ठीक है भाई फ्लडिंग एंड रेकिंग क्लोरीनेशन एंड सप्लाई ऑफ एयर रेकिंग एंड क्लोरीनेशन, फ्लडिंग एंड सप्लाई ऑफ एयर तो आंसर क्या होगा इसका रेकिंग एंड क्लोरीनेशन। रेकिंग मतलब खुरच देना खुरच देना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन रैगिंग में नहीं है रैगिंग नहीं है रेकिंग है सेटल्ड सीवेज इज सब्जेक्टेड टू बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सही बात है भैया सेटल्ड सीवेज में ऑर्गेनिक कंटेंट होता है तो उसका आपको क्या करना है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा एनी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज बाय बाई सेटलिंग टैंक कॉपर सल्फेट भी कर सकते हो बिल्कुल सही बात है ठीक है भाई तो जो है डी आपका गलत है क्योंकि ऑक्सीडेशन पॉइंट वगैरह जो है उसके पहले आप लोग क्या करते हो सेटलिंग टैंक नहीं होता है तो सभी में तो नहीं होगा कुछ मतलब ठीक है नहीं रिसेंटली नहीं गए कोलकाता मैं गया हूं जब कॉलेज में था 2009 तो 2010 में दस साल हो गए तो आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसके लिए नहीं होते हैं कि हर तरह के फ्लोटिंग मैटर को रिमूव नहीं करते इसके थ्रो तो आप ग्रीज एंड ऑयल वगैरह को रिमूव करते हो तो ये आपका खत्म हो गया ये आपका खत्म हो गया ठीक है नेक्स्ट सेकेंड रिमूव ऑयली एंड ग्रीजी मैटर दूसरा आपका सही है वो तो वैसे भी सही है हैव डिटेंशन टाइम ऑफ़ थर्टीस मिनट कहाँ लगते हैं दो चार मिनट हो गए और ये तो तीसरा आपका गलत है आंसर क्या है? हो जाएगा ये हो जाएगा एम्प्लॉय एयर ब्लोन थ्रू डिफ्रूजर यस ठीक है कंप्रेस्ड एयर के थ्रू जो भी ये मेटेरियल होता है ऑयल एक्सेट्रा ऊपर आ जाता है कभी कभी दिल्ली में कुछ जगह पर इसकी वजह से ना ऐसा हो जाता है जैसे जो नाले वाले जब उनका पानी गिरता है वहां पे इतना फोम प्रोड्यूस हो जाता है वहां पे ऐसा लगता है जैसे बर्फ बिछ गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फॉर अ फ्लो ऑफ थ्री मीटर क्यूब पर सेकेंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ग्रेट ग्रीट चैम्बर विल भी ठीक है तो लगभग आप क्या कर लेंगे जीरो पॉइंट थ्री मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी मानकर क्यू इजिकल्स टू ए बी करके आप लोग निकाल दीजिए और वैलोसिटी आप एवरेज ले लीजिए जीरो पॉइंट थ्री मीटर पर सेकेंड तो आपके पास आंसर आएगा विकास कुमार बेटा ये तो सीरीज चल ही रही है पहले ये खत्म हो जाए उसके बाद में हाँ बाद में किया जा सकता है कोई एग्जाम पास में आएगा तो उसके एक आध महीने पहले इस तरह की सीरीज कर देंगे बट अभी तो हम इस सीरीज के थ्रू ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके हर तरह के कराए रहे ठीक है तीके? Next question.

तो आंसर आपका क्या आ गया ए आ गया डिस इनफेक्शन लास्ट में किया जाता है तो आंसर क्या हो गया आपका ए हो गया बाकी आपको मालूम है स्क्रीनिंग सबसे पहले देन ग्रिट रिमूवल देन प्राइमरी सेडिमेंटेशन देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट देन सेकेंडरी सेडिमेंटेशन एंड फाइनली डिसनफेक्शन ठीक है और वैसे इससे भी हो गया स्क्रीनिंग सबसे पहले ये भी सही है कि फिफ्थ जो है वो एक ही ऑप्शन में सबसे पहले इससे भी हो गया कैसे भी कर ले स्क्रीनिंग इस, इस से कर लो इससे भी हो जाएगा वेरी गुड इससे भी हो जाएगा स्क्रीनिंग से भी हो जाएगा और देखो ये जो पुराने आप देखो 65 सेशन हो गए हैं 65 सेशन मतलब मोर देन टू मंथ हमें हो चुका है लगभग थ्री मंथ दो महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया क्या कहते हैं आपको अब इस प्रोग्राम को चले हुए तो पहले सेशन में पहले दूसरे पाँच बजे सेशन में क्या क्वेश्चन कराए होंगे आप सब भूल गए होंगे तो इसलिए जो पुराने सेशन है उन्हें 1.5 की टू की स्पीड पर दोबारा देखते रहा करो स्पीड करते स्पीड से देखते रहा करो 1.52 की स्पीड जो भी सूट करे नहीं तो वो क्या होगा पता चला आगे बढ़ते जा रहे पुराना भूलते जाओगे ठीक है तो उनको पुराने सेशन को रिपीट करना भी जरूरी है इन एन एक्टिवेटेड सेल्स प्रोसेस द सेल्स वॉल्यूम इंडेक्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय है, तो रिड्यूसिंग रिसाइक्लिंग रेशो ये क्वेश्चन करना चाहोगे अब ये आया हुआ है लेकिन इसका फॉर्मूला है तो ठीक है अरे दोबारा उनको देखने को बोल रहे हैं जिनका जैसे बीपीएससी का एग्जाम था जैसे बीपीएससी का एग्जाम था उनके लिए कंसिडर दी फॉलोइंग डेटा इन द डिजाइन ऑफ ग्रेविटी दे रखी है साइज ऑफ ग्रीट पार्टिकल दे रखा है सेंटीमीटर पर यह फॉर्मुला लगेगा आपका ग्रीड चैंबर के लिए वेलोसिटी स्क्वायर इज इक टू फोर बाई थ्री जी रो एस माइनस रो डब्ब्ल्यू इंटू डी अपॉन सी डी रो डब्ल्यू ठीक है अब सी डी का फॉर्मूला है आपके पास एटीन पॉइंट फाइव अपॉन रेनॉल्ड नंबर की पावर पॉइंट सिक्स अब ये सब अगर आप बिना कैलकुलेटर के कर सको तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं ट्राई कर सकते हैं ठीक है तो इसका जो आंसर आएगा वो 2.66 सेंटीमीटर पर सेकंड आ रहा है तो 2.6 पॉइंट सिक्स से फाइव सेंटीमीटर पर सेकंड अब कई सारे फॉर्मूले हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए मैंने इस क्वेश्चन को हटा दिया था इसलिए ये क्वेश्चन पता नहीं बीच में कैसे आ गया <laughs> ठीक है ये क्वेश्चन मैंने इसी वजह से हटा दिया था क्योंकि तो ऐसे क्वेश्चन पर टाइम खराब नहीं करना है इस समय पर एफ बाई एम रेशो, सोलर एनर्जी एफुलट री सर्कुलेशन बोलेटाइल फैटी एसिड्स आंसर आ गया सभी का वेरी गुड तो ए आपका फाइव से मैच कर जाएगा ठीक है और सोलर एनर्जी कहाँ चाहिए आपको वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉइंट में चाहिए होगी आपको फोटोसिंथेसिस के लिए तो ए आपका फाइव से मैच कर करा बी आपका थ्री से मैच कर रहा है तो आंसर तो आपका इसी से आ गया एफ्लुएंट रीसर्कुलेशन आप कहाँ कर देंगे ट्रिकलिंग फिल्टर में कर देंगे और वोलेटाइल फैटी एसिड्स को आप कहाँ रिमूव करोगे एनारोबिक डाइजेस्टर में ऐड करोगे डेटिटस टैंक का यहाँ पर कोई काम नहीं है क्योंकि डेटिटस टैंक ग्रिट चैम्बर के भाई है ये भी इनऑर्गेनिक पार्टिकल को रिमूव करने के काम आता है बट यहाँ पर वैसा कुछ है ही नहीं ठीक है और ये भी सही है डी वन से ही हो जाएगा डी वन से ही हो जाएगा क्योंकि डी कॉलनी वन से मैच कर रहा है ठीक है इससे भी हो जाएगा ये भी बढ़िया है नेक्स्ट क्वेश्चन Which one वन ऑफ following फॉलोइंग of ऑफ सेटलिंग फिनोमिना कैन बी by बाई classical sedimentation लॉज ऑफ न्यूटन एंड स्टोक्स ठीक है आंसर क्या होगा ए होगा ठीक है आंसर क्या होगा ए होगा, होगा? होगा. डिस्क्रीट सेटलिंग के लिए ही आपका स्टोक्स लॉ लगेगा ठीक है बिल्कुल सही वीटो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीडेशन पॉन्ड एलगाई बैक्टीरिया सिंबायोटिक रिलेशनशिप सी आपका टू से मैच करेगा और सी जैसे ही आपका टू से मैच करेगा अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम है तो बी आपका वन से मैच कर जाएगा और बी अगर आपका वन से मैच कर जाएगा तो आंसर आपका क्या गया सी आ गया आंसर आपका क्या गया सी आ गया ठीक है और लेस प्रोसेस एक्सटेंडेड एडिशन लो कॉस्ट स्टेटमेंट जाएगा फिर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट सेटलिंग एंड सिलेस अकर्स आकर्षण सेप्टेट इन वन कंपार्टमेंट सही बात है एक ही कंपार्टमेंट में दोनों काम हो जाते हैं

एनोरुबिक में स्टार्टअप टाइम ज्यादा होता है बिकॉज फ्री ऑक्सीजन नहीं होती तो ये मॉलिकुल से ही ऑक्सीजन को ब्रेक करता है ठीक है तो दूसरा आपका गलत हो गया और दूसरा गलत हो गया तो अरे ये तो बढ़िया हो गया ठीक है तो इसी से हो गया एनर्जी कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन इज मोर इन दी एरोबिक ट्रीटमेंट प्रोसेस एज कम्पेयर टू गलत बात है एनोरुबिक में एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होता है ड्यू टू मिथ फॉर्मेशन इसीलिए टेस्ट सीरीज है ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लॉक्युलेटिंग पार्टिकल सेटल इन अ कर्व्ड पाथ इन अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन फॉर अ कॉन्स्टेंट फ्लोरेट द डाउनवर्ड सेटलिंग वेलिसिटीज ऑफ पार्टिकल्स एज वेल एज दियर रेस्पेक्टिव हॉरिजेंटल वैलिसिटीज रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग दियर स्टे इन दैंक क्या आंसर होगा सी और डी कुछ कह रहे हैं सी कुछ कह रहे हैं डी तो so, देखो फ्लॉक्युलेटिंग पार्टिकल्स की बात हो रही है फ्लॉक्टिंग तो फ्लॉक्टिंग पार्टिकल का क्या साइज जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा नहीं जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे और पार्टिकल जुड़ते जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी कौन सी सेटलिंग वेलोसिटी है वर्टिकल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल मे रिमेन कॉन्स्टेंट ठीक है तो इसलिए जो आपके पास है द डाउनवर्ड सेटलिंग वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल्स एज वेल एज देयर रेस्पेक्टिव हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कॉन्स्टेंट ये आपका गलत हो गया तो आंसर आपके पास क्या देगा? हो जाएगा सी हो जाएगा अब देखो जब सेडिमेंटेशन ق... टैंक जो होता है जहां पर डिस्की सेटलिंग होती है पार्टिकल का साइज कांस्टेंट होता है वहां पर क्या होता है कि डाउनवर्ड वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट होती है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो भी कांस्टेंट होता है जब रिजल्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो इस वजह तो से ये किस पर मूव करता थे स्टेट लाइन पर स्टेट लाइन पर जबकि यहां पर किस पर मूव करेगा ये पाथ पर मूव करेगा पाथ क्योंकि रिजल्टेंट वेलोसिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट तो जैसे पैराबोलिक पाथ होता है ना इस तरह से तो बेसिकली ये सेकेंड हाफ को फॉलो करेगा हाफ को ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इनकन्वेंशनल एक्टिविटेड प्रोसेस एम एल एस मिक्स सस्पेंडेड सॉलिड जनरली कैप्टन विच रेंज ठीक है भैया तो इसके लिए टेबल याद रखिएगा कन्वेंशनल एएसपी में 1500 से तीन हजार कंप्लीटली मिक्सड ईएसपी में तीन हजार से छह हजार एक्सटेंडेड एरेशन में तीन हजार से छह हजार तो हमारा क्या है कन्वेंशनल है तो पंद्रह सौ से तीन हजार तो बेटर जो सही ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा उसके हिसाब से सी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिलस वॉल्यूम इंडेक्स एस की बात हो रही है तो द एस बी वॉल्यूम इंडेक्स इज एक्सप्रेस एज वॉल्यूम इन सी सी ऑफ दिलस फॉर वन ग्राम ऑफ ड्राई वेट ऑफ दिलस सही बात है दूसरा कह रहा है हायर वैल्यू ऑफ एस बी अ लाइट एंड फ्लफी इज नॉट सेट लेवल सही बात है क्योंकि तो पर यूनिट वेट ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो बहुत है, है ना और डेंसिटी का रेसिप्रोकल ही होता है सही बताएं तो। ठीक है तो आंसर क्या देगा सी कल मुझे एक स्टूडेंट का कॉल आया हो सकता है इस समय वो लाइव अगर लेक्चर देख भी रहे हो तो उनका भी कहना था कि सर मैं तीन साल से बहुत मेहनत कर रहा हूँ बट मेरा सलेक्शन नहीं हो रहा ठीक है तीन साल से बहुत मेहनत कर रहा हूँ बट सलेक्शन नहीं हो रहा तो मैंने उनसे सबसे पहला सवाल ये पूछा आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी उन्होंने कहा सर नहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की तीन साल से तैयारी कर रहे हैं बट टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की मिस्टेक नंबर वन फिर मैंने उनसे पूछा कुछ छोटे छोटे टॉपिक होते हैं मैंने कहा ये टॉपिक आपने पढ़े क्या तैयार ये पढ़े बोले नहीं ये टॉपिक तो नहीं पढ़े मैंने तो हम तीन चार पाँच चार पाँच साल आप कितने भी टाइम तैयारी करते रहो लेकिन अगर कुछ बेसिक चीज़ों को करेक्ट नहीं करोगे तो कभी सेलेक्शन नहीं होगा वो तो बेसिक चीज़ें क्या है कि अगर आप एक साल से ज़्यादा समय तक तैयारी कर रहे हो मान लो अभी आप फ्रेशर हो पहले साल आपने तैयारी की सात आठ महीने और फिर एग्ज़ाम दिया तो हम कह सकते हैं कि चलो आप कुछ टॉपिक नहीं पढ़ पाए लेकिन अगर आप एक साल दो साल तैयारी कर रहे हो उसके बाद भी अगर आप सिलेबस पूरा नहीं पढ़ पाए तो फिर दिक्कत है आप दो तीन साल तैयारी करो और आपने कोई टेस्ट नहीं दिया कोई टेस्ट सीरीज नहीं तैयार ज्वाइन की तो ये भी है ठीक है नोट्स नहीं, नहीं बनाए आपने आपने नोट्स नहीं बनाए शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए रिवीजन के लिए टाइमली आप बीच बीच में रिवाइज नहीं करते तो फिर ये भी गड़बड़ है ठीक है ये भी गड़बड़ें अभी लोग ई एस सी वाले स्टूडेंट हैं ये टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं तो इनसे पूछिए कितना फ़ायदा होता है टेस्ट सीरीज़ का आपको ऐसी ऐसी अपनी गलतियां मालूम चलती हैं टाइम मैनेजमेंट आता है कहाँ कहाँ पर आप सिली मिस्टेक्स करते हो वो आ जाता है किन क्वेश्चन को करना है किन क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ देना है देखते ही ये सारी चीज़ें से ही आती हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एन इंडस्ट्री हैज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विच प्रोड्यूस सिलज वि मॉइस्चर कंटेंट ऑफ नाइंटी एट परसेंट विद द सॉलिड कंटेंट रिमेनिंग द सेम द सिलज इज थिक्ड सो दैट द मॉइस्चर कंटेंट नाउ इज नाइंटी सिक्स परसेंट इफ द ऑरिजिनल क्वांटिटी ऑफ सेलस इज पी वॉट इज द्वानी ऑफ दिल्स तो आपको मान ली मैं वी वन इंटू हंड्रेड माइनस पी वन टू वी टू इंटू हंड्रेड माइनस वी वन कितना था आपके पास पी था तो हंड्रेड माइनस पी वन पी वन कितना पहले नाइनटी एट और इजिकल्स टू वी टू इंटू बाद में कितना हो गया ये नाइन्टी सिक्स तो वी टू बराबर कितना रहेगा पी इंटू ई टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ वेल ऑपरेटिंग एक्टिवेटेड सिलस प्रोसेस यूनिट वॉट इज द वैल्यू ऑफ सिलस वॉल्यूम इंडेक्स बिल्कुल सही बात है बाकियों के मुकाबले भी आप कहां पर हो यह भी मालूम चलता है सही बात है कॉम्पिटिशन है ना कॉम्पिटिशन का मतलब ये कि आप रिलेटिवली कहाँ स्टैंड कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा हंड्रेड टू वन फिफ्टी एक्चुअली आज जब ये मैं ये पी तैयार कर रहा था तो फोन की बैटरी बहुत कम थी तो फ्लैश जो है वो फोन की यूज नहीं हो पाई थी तो इस वजह से आज जो है आपको ये धूप छाव नजर आ रही है क्वेश्चन में क्वेश्चन उतने अच्छे से जो नहीं हो पाए बहुत पानी में बारिश अलग हो रही है <laughs> हाँ जी तो क्या आंसर होगा इसका तो सबसे पहले तो टिकलिंग फिल्टर को देख लो भैया फ्लाई ब्रीडिंग की समस्या यहीं पर होती है आपके पास तो ए जो है वो आपका टू से मैच करेगा ठीक है ए टू से मैच करेगा तो डी आपका फोर से मैच कर जाएगा ठीक है और रैपिड ग्रेविटी फिल्टर में ही आपके निगेटिव हेड की समस्या आती है यह भी आपको याद होगा तो सी जो है वो वन से मैच करेगा और सी अगर वन से मैच करेगा तो आंसर आपके पास आ गया बी आंसर क्या आ गया आपके पास बी आ गया आंसर इज बी आप दिलीप देखो 200-250 ढाई सौ के दे रहे हैं 300-400 आईएएस मास्टर के होंगे या वहाँ भी 200-300 मान लो कुछ नहीं भी दे रहे होंगे तो ई में जो कोर कंपटीशन है मैं आपको बता रहा हूँ ई में जो कोर कंपटीशन है वो टॉप हजार 2000 स्टूडेंट में ही है क्योंकि तो अगर अभी भी स्टूडेंट केवल दो या तीन ही जिस देखो जिस बच्चे ने सलेक्शन लेना है वो इस समय टेस्ट सीरीज जरूर दे रहा है नहीं दे रहा है तो या तो वो टेस्ट दे चुका है या फिर टेस्ट दे रहा है जितने सेलेक्टेड कैंडिडेट से आप बात करोगे सब ने टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन की होगी और टेस्ट जरूर दिए होंगे ठीक है हाँ वैसे ये भी आपका डेली टेस्ट ही है क्यू भी एक तरीके का टेस्ट है ये बात भी सही है हाँ बिल्कुल सही बात है जो ऑफलाइन देते हैं वो भी मतलब मेरे कहने का था टेस्ट दे रहे हैं तो अगर आप 200-400 चार सौ यहाँ मान लो अगर ऑनलाइन इतने दे रहे हैं तो ऑफलाइन कितने दे रहे होंगे इतने ही ऑफलाइन दे रहे होंगे ठीक है तो 500 अगर 500 का डबल हज़ार आप उसका डबल 2000 मान लो 2000 मान लो निगेटिव हेड मतलब सक्सन इफेक्ट निगेटिव हेड मतलब सक्सन इफेक्ट हो जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइ पॉल्यूटेंट आर जनरली नॉट रिमूवरिक सस्पेंडेड सॉलिड ऑयल एंड इनऑर्गेनिकॉलिड ग्रीज चेम्बर में रिमूव हो जाते हैं जी बी और डी दोनों एक साथ चलिए डिजॉल्व ऑर्गेनिक सॉलिड नहीं रिमूव होते अच्छा फिर क्या होता है

डिजॉल्व इनऑर्गेनिक सॉलिड आगे चले गए बट आगे इनको रिमूव करने का कोई प्रोसेस नहीं है आगे के जो प्रोसेस हैं वो बायोलॉजिकल यूनिट्स हैं जो किसको रिमूव करती हैं, ऑर्गेनिक कंटेंट को रिमूव करती हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा क्वेश्चन कोई बात नहीं कोई बात नहीं चलिए आगे In the पॉइंट सिस्टम द get एक्सटेंडेड डाउनवर्ड्स ड्यू टू क्या आंसर होगा आंसर होगा सी मिक्सिंग बाय विंड एक्शन अलोंग विद पेनिटेशन बाय सनलाइट अरे भाई जो सरफेस वाटर होगा वो एयर से ऑक्सीजन को क्या करेगा डिजोल्व करेगा और सनलाइट के थ्रू भी क्या होगी फोटोसिंथेसिस वगैरह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी अब विंड से जो मिक्सिंग एक्शन होगा उससे क्या होगा ऊपर का ऑक्सीजन वाला पानी नीचे चला जाएगा और कम ऑक्सीजन वाला पानी ऊपर आ जाएगा तो आंसर इज सी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर दिलस प्रोसेस कैन बी सेट टू कन्वर्जन ऑफ डिजॉल्ड ऑर्गेनिक मैटर इन टू बायोलॉजिकल फ्लॉक सही बात है पहला सही है दूसरा रिमूवल और डिजॉल्व बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर ये भी सही है तो पहला सही है और दूसरा भी सही है थर्ड डाइजेशन ऑफ दिलस ये भी होता है क्या एक्टिवेटेड सिलस प्रोसेस में डाइजेशन भी होता है क्या नहीं डाइजेशन ऑफ सिलस के लिए सिलस डाइजेस्टर अलग से बनाए जाते हैं तो आंसर क्या होगा वन एंड टू ऑनली वन एंड टू ऑनली नमस्ते श्रीमान चलिए भैया तो ये आज का आपका अंतिम क्वेश्चन था ठीक है तो आज आपको मुझे जल्दी फ्री करना था तो आज इतने ही क्वेश्चन थे थोड़ा सा आज हो सकता है स्पीड ज्यादा रही हो जल्दी जल्दी में क्योंकि मुझे इतने क्वेश्चन निपटाने थे ठीक है ठीक है फिर आज के लिए इतना ही मंडे को हम लोग करेंगे इसमें सीपीएम पार्ट रिमेनिंग सीपीएम पार्ट में हम लोग मंडे को इक्विपमेंट्स वाला पार्ट और जो कॉस्ट क्रेसिंग ये सब जो होता है हुँ. वो सारा पार्ट हम लोग क्या करेंगे मंडे को करेंगे हाँ आज जल्दी छुट्टी हो गई खुश हो जाओ <laughs> ठीक है तो मंडे को टेस्ट नहीं है अभी भी मंडे को टेस्ट नहीं है मंडे को मंडे को आपका क्या रहेगा सी पार्ट वाला पार्ट ठीक है फिर एक जुलाई से नहीं दो जुलाई से फिर डेली आपका कुछ ई के एग्जाम तक टेस्ट होगा आज ई वाली क्लास दस बजे हो जाएगी हाँ मैं कोशिश करूंगा पूरा अभी मैं कहीं जा रहा हूँ वहां से आ जाऊँगा मोस्ट ऑफली आज हो जाएगी दस बजे क्लास ठीक है पीडीएफ कल वाली मैंने आज दोपहर में ही दे दी थी पीडीएफ मैंने कल वाली आज दोपहर में ही दे दी है ठीक है और ये पीडीएफ मैं आपका अभी दे दे रहा हूं चार जुलाई को एग्जाम है अरे कोई बात नहीं देख लेंगे वैसे एक जुलाई की छुट्टी रहेगी इसलिए चार जुलाई की नहीं करूंगा बाद में देख लेना नेक्स्ट डे देख लेना सेशन कोई दिक्कत नहीं बाकी अभी चार जुलाई दूर है तब देख लेंगे अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे मनाना है चार जुलाई को कल रात वाली क्लास की पीडीएफ नहीं दी अरे आज दोपहर में पी चेक करो मैंने मेन्स की पीडीएफ और कल के सेशन की पी दोनों दी हैं मैट्रिक्स मेथड वाली शायद पीडीएफ नहीं दी होगी तो चलो मैं दे दूंगा अरे वो एक जुलाई को एक्चुअली में क्या है कि वो ए का जब सिलेक्शन हुआ था उसके बाद घर में पूजा वगैरह होनी थी बट वो कोरोना हो गया तो वो हो नहीं पाई तो हमने कहा चलो बर्थडे वाले दिन ही करवा लेंगे तो उस दिन थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा एक जुलाई को माहौल तो शायद नहीं हो पाएगी क्लास तो आप अकॉर्डिंगली पहले से अपना प्लान कर लेना चीज़ों का ठीक है चलो मैट्रिक्स तो ठीक है मैट्रिक्स वाली अभी दे अभी दे दूँ या रात में प्रोवाइड कर दूँ चलो अभी दे ही देता हूँ मैं आपको मैट्रिक्स वाली एक्चुअली दस बजे जो है वो ईएससी प्री का अलग से जो पेड बैच था तो उसमें कुछ और टॉपिक्स अलग से और करवा देते हैं ई वाले स्टूडेंट्स को ठीक है मैट्रिक्स <laughs> मेथड यही है ना यही है. जैसे कल मैट्रिक्स मेथड करवाया था ईएससी वाले बैच में चलिए भाई ये आपकी मैट्रिक्स मेथड की पीडीएफ गई थैंक यू थैंक यू थैंक यू हेमंशी दस बजे वाला बैच एक्चुअली एक ईएससी का हमारा प्री का पेड बैच था तो बस उसी में कुछ और क्वेश्चंस करा देते हैं टॉपिक वाइज जो बच्चों की डिमांड होती है जैसे इनको आई पढ़ना था तो आई के क्वेश्चन करा दिए स्टिफ्टेंस मैट्रिक मैट्रिक्स मैथड पढ़ना था तो मैट्रिक्स मैथड के क्वेश्चन करा दिए ठीक है ये ये डीप ब्रीदिंग वाली कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ज्ञान भी मिल जाता है तो कल जैसे ये हमने सारा जो मैट्रिक्स मेथड के क्वेश्चंस थे कल ये किए थे तो एक तरह से ये सी टी क्यू कह लो कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन था क्वेश्चंस के थ्रू इसमें कॉन्सेप्ट से वर्क करते हैं ठीक है ठीके? जैसे इस तरह के क्वेश्चंस हो गए तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो कल करवाए गए थे पी टेलीग्राम में दे दिया करें चलो अगर किसी को अगर कोई इस बार का ई दे रहा है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना ठीक है अब क्योंकि या आप हो सकता है मैं ये सारे लेक्चर्स ओपन भी कर दूँ दस पंद्रह दिन में जिसको देख रहे हो वो देख लेना लेकिन मुझे मैसेज कर देना कि कौन से स्टूडेंट हैं जो ई एस के क्योंकि ये सारा पेड बैच या कंटेंट है कि कौन से स्टूडेंट जो हैं वो सिंसियरली दे रहे हैं एग्ज़ाम तो दे देंगे कोई बात नहीं ठीक है तो हेमंत जी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा मैं आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा इसकी ठीक है चलिए ठीक है थैंक यू तो बाकी सभी को गुड नाइट और ई वालों को हम लोग मिलते हैं रात में दस बजे ठीक है चलिए थैंक यू अभी के लिए इतना ही